नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। गर्दन शरीर का एक जरूरी हिस्सा है, जिसमें स्पाइनल बोन्स, मांसपेशियां और कई तरह के टिश्यूज शामिल होते हैं। शरीर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों के विपरीत गर्दन ढकी हुई नहीं होती, जिस कारण इसमें चोट लगने का खतरा होता है। गर्दन में खिंचाव की समस्या भी आम है और इसकी वजह से दर्द का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर गर्दन में होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए लोग दवाइयां या घरेलू उपायों का सहारा लेते हैं। हालांकि कई बार मामूली सा लगने वाला गर्दन का दर्द या किसी खतरनाक बीमारी का संकेत भी हो सकता है। आइए जानते हैं गर्दन में दाईं तरफ होने वाला ये दर्द किस बीमारी का संकेत हो सकता है। कई बार सुबह सोकर उठने के बाद गर्दन में दर्द या अकड़न महसूस होती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे ऊंचे तकिए के ऊपर सिर रखना, हार्ड गद्दे पर सोना, फिर रात में सोते समय नींद में गर्दन टेढ़ी हो जाना। इसके अलावा जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर एक ही पोजीशन में घंटों बैठकर काम करते हैं, तो इससे भी आपकी गर्दन में अकड़न आ सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्दन में दाईं तरफ दर्द होना टॉर्टिकोलिस, ये गर्दन की मांसपेशियों से जुड़ी एक ऐसी समस्या है जिसके कारण सिर एक ओर झुक जाता है। मांसपेशियों में किसी प्रकार की क्षति या रक्त संचार प्रभावित होने के कारण इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। टॉर्टिकोलिस एक ऐसी समस्या है जो आपको कभी भी हो सकती है। टॉर्टिकोलिस होने पर व्यक्ति की गर्दन सोते समय तो बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन जब वह सोकर उठता है तो गर्दन को हिला भी नहीं पाता। बहुत से मामलों में यह गर्दन कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ मामलों में टॉर्टिकोलिस किसी गंभीर बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। टॉर्टिकोलिस के कारण ट्यूमर, इन्फेक्शन आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं उपचार की। अगर आपकी गर्दन का दर्द मामूली है तो आप इसे कुछ घरेलू उपायों की मदद से ठीक कर सकते हैं। आप दर्द कम करने वाली दवाइयां ले सकते हैं, हीट पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्दन की मसाज, स्ट्रेच करना, कूल पैड या आइस से भी दर्द से राहत पाई जा सकती है। इसके अलावा सोते, बैठते और चलते समय बॉडी पोस्चर ठीक रखें, गर्दन को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज करें। अगर आपकी गर्दन में कम दर्द है तो इसके डॉक्टर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं। पेन किलर से भी गर्दन का दर्द कम हो सकता है। गर्दन से जुड़ी कुछ एक्सरसाइज भी दर्द काफी आराम दे सकती है, लेकिन अगर आपका दर्द बहुत ज्यादा है तो इसके साथ ही आपको कुछ और लक्षण भी नजर आ रहे हैं तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।